हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रिकोशी नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए हैं सैमी ज़ेन को हराकर, और WWE ने रेसलमेनिया 38 के लिए दो और मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, और रोमन रेंस ने स्पॉइलर दिया है उनके और ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए, और अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने बहुत कुछ अनाउंस कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिकोशे और सैमी ज़ेन का मैच हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और क्योंकि सैमी ज़ेन ने पिछले हफ्ते जॉनी नॉक्सविल पे अटैक किया था, तो इस हफ्ते जॉनी ने आकर सैमी ज़ेन को मैच के टाइम डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और रिकोशे ने इस मौके का फायदा उठाकर सैमी ज़ेन को फंसाकर उनका पिनफॉल करवाया, और रिकोशे ने उनके करियर में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली है। और इसके बाद सैमी ज़ेन ने बैकस्टेज में जाकर जॉनी नॉक्सविल को चैलेंज कर दिया सिंगल्स मैच के लिए रेसलमेनिया 38 में, और इन दोनों का मैच WWE ने अनाउंस कर दिया है रेसलमेनिया में। और इसके अलावा आपको याद होगा कि मिस्टर मैकमैन ने पैट मैकेफी के टॉक शो में जाकर उन्हें रेसलमेनिया 38 में फाइट करने का मौका दिया था। तो आज स्मैकडाउन में मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार ऑस्टिन थ्योरी आए, और उन्होंने ये कहा कि मिस्टर मैकमैन ने इसलिए पैट को रेसलमेनिया में मैच करने का मौका दिया था ताकि रेसलमेनिया में पैट मैकेफी पिट सकें। और फिर ऑस्टिन थ्योरी ने ये बोला कि वो रेसलमेनिया 38 में पैट के अपोनेंट हैं, और ऑस्टिन ने एक थप्पड़ भी मार दिया पैट मैकेफे को। तो चलिए देखते हैं कि क्या पैट मैकेफे ऑस्टिन थ्योरी को रेसलमेनिया 38 में हरा पाते हैं या नहीं। और आज ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में नियोमी ने वन हाफ वुमेन्स टैग टीम चैंपियन कार्मेला को हरा दिया, और ड्रू मैकइंटायर सिंगल्स मैच में जीत गए जिंदर महाल से, और द उसोस का मैच हुआ था वाइकिंग रेडर्स के साथ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें उसोस ने वाइकिंग रेडर्स को हराकर उनकी टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी। और रोंडा रोजी का सिंगल्स मैच हुआ सोनिया डेविल के साथ, जिसमें रोंडा ने आर्मबार सबमिशन देकर टैप आउट करवा दिया सोनिया डेविल को। और मैच के बाद जब शार्लेट फेयर रिंग के अंदर आई, तब रोंडा ने शार्लेट फेयर को एंकल लॉक सबमिशन देकर आज का स्मैकडाउन खत्म किया है। और अब अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि साशा बैंक्स फेस करेंगी क्वीन ज़ेलिना वेगा को, और बिगी और कोफी किंगस्टन टीम अप करेंगे और फाइट करेंगे शेमस और रिज हॉलैंड की टीम को टैग टीम मैच में। तो रोमन रिक्स ने आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ये कहा कि कल मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रोमन और ब्रॉक लेसनर दोनों उनकी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, और रोमन ये चाहते हैं कि ब्रॉक भी उनकी WWE चैंपियनशिप कल रिटेन कर लें, और ब्रॉक रेसलमेनिया 38 में WWE चैंपियन बनकर आए, ऐसा रोमन चाहते हैं। क्योंकि रोमन ने आगे ये बोला कि रेसलमेनिया में वो वैसे भी ब्रॉक का टाइटल रेन खत्म करने वाले हैं। और फिर रोमन ने आगे ये कहा कि लास्ट ईयर भी उन्होंने रेसलमेनिया से पहले स्पॉइलर दिया था कि वो उनके अपोनेंट को स्मैश करेंगे और वो जीत जाएंगे, और फिर उन्होंने वैसा ही किया था। और इस साल रोमन ने फिर से रेसलमेनिया के लिए स्पॉइलर दिया है कि रेसलमेनिया 38 में वो ब्रॉक लेसनर को स्मैश करेंगे, पिन करेंगे, और जब रोमन डबल चैंपियन बन जाएंगे और धमाके होने लगेंगे, तब ब्रॉक लेसनर भी रोमन को एक्नॉलेज करेंगे रेसलमेनिया में। वैसे आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि रोमन और ब्रॉक लेसनर में से आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हो रेसलमेनिया 38 में। और आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि रेटेड आर सुपरस्टार एज ये बताएंगे कि क्यों उन्होंने लास्ट वीक AJ स्टाइल्स को इतनी बुरी तरह मारा था, और लोगन पॉल द मिस के साथ मिलकर पार्टी करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में, और जेरी द किंग लॉलर रिटर्न आ रहे हैं आने वाले रॉ में। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।